सा लालच? क्या चीज है जो इंसान से ऐसा करवा सकती है? इसको प्लान करना सोचना भी मुमकिन नहीं लगता। मैं किसी का दिफा तो नहीं कर रहा, लेकिन हकान के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है। कल तक सबूत मिल जाएगा। मैंने अपने आदमियों को बोला है, कैमरे की वीडियोस को देख रहे हैं, पुलिस भी साथ में काम कर रही है। कार का फिर से मुआयना करेंगे वो, इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो सकती है। अगर इस काम के पीछे वाकई वो निकला तो तुम इतना हैरान क्यों? मुझे बाजी की बात ठीक लग रही है। वो हकान इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता, या फिर मैं ऐसा सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात होगी। अगर वाकई ऐसा निकला तो बुलुत अपने माँ बाप के कातिल के घर में इतने अरसे से मुकीम है यार। और ये बात मुझे पागल कर रही है। इस सब में मेरा कितना हिस्सा है ये सोच के? नाजली, बात वो नहीं है, यहाँ बात साइकोलॉजी की है। या तो हकान या फिर कोई और, कोई ना कोई साइको पेशेंट है। वो मैकेनिक गलत नहीं हो सकता। कार को जानबूझकर खराब किया गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम यहाँ रह रही हो? हाँ, बुलुत बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था कि सुबह उठकर मुझे देखेगा। मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। गुड नाइट। फिर मिलते हैं। ये बात करने का वक्त तो नहीं है, मगर ये जो राज वाला मसला है वो नाजली को नहीं पता। यूएसबी वाला ये भांडा मैंने फोड़ा था। तुम ये बात उसको बताओगे? मुझे बताना चाहिए क्या? नहीं बताओ तो अच्छा है, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं जानता हूं, हद तक कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल सकती है। मैं उसे बताने का नहीं सोच रहा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। अच्छी खबर है। जबरदस्त, सुनाओ फिर। जैसा आप चाह रहे थे वैसा आदमी मिल गया। जलाल नाम है उसका, वो पसोलो कंपनी में ट्रक ड्राइवर रह चुका है भाई। देमीर के साथ मुमारी भी हुई थी उसकी। वाह, जलाल की क्या बात है। शायद कोई चोरी वोरी की थी उसने। देमीर ने उसे पहले वार्निंग दी, लेकिन जलाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर देमीर ने उसे निकाल दिया। जलाल ने उसे धमकी दी थी फिर कि उसे जान से मार डालेगा। वाह, कमाल कर दिया जलाल, तो देखो जरा, बड़े पुरजोश हो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन। सबका एक साथ प्यार से रहना ठीक नहीं है मेरे भाई, कभी लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए, किसी का फायदा भी हो जाता है। कहाँ है ये जलाल? अभी तक मिला नहीं है भाई, लेकिन ढूंढ लेंगे उसे। पैसे ना होने की वजह से किराया नहीं दे सका और वो भाग गया। मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, बिकेट ब्लूथ, ब्लूथ उसका पीछा मत छोड़ना। उसे स्कूल तुम लोग छोड़ना, उसके मामू के पास छोड़ा तो वो बहुत शफकत दिखाएंगे, इतना काफी है बस। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। वाह जलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बुलुत के लिए। बुलुत स्कूल के लिए तैयार हो रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी जगह किचन में है, मतलब आपका काम सिर्फ किचन की हद तक है। ठीक है मैडम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। गुड, पूरे हफ्ते क्या बनेगा वो इस लिस्ट में मौजूद है, और कुछ भी हो जाए इस लिस्ट से बाहर नहीं निकलना। सही है। ये बात याद रखिएगा। खुश आमदीद। तुम चलो अपने काम पर लग जाओ, मैं अभी आई नाजली मैडम। हेलो, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला यार। जी मैडम। मैंने कहा मुबारक हो, आपको लगता है नए आए हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लिस्ट में जो लिखा वही बनाना है। हाँ, यहाँ गोश्त पकाने से पहले थोड़ी देर सिरके में रखना, पकाते हुए उसमें थोड़ा सा जूस रहना चाहिए। पुलाव में किशमिश बिल्कुल मत डालना, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। कुकीज बनाते वक्त ज्यादा मत बनाना, बासी चीजें नहीं खाता वो। तो मेरा नाम मत लेना, उसे क्रीम नहीं पसंद फेंक देता है, वो उसे मत देना, बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। आप फरीद साहब को बहुत अरसे से जानती हैं क्या? कुछ यही समझ लो। नाजली कैसी हो? ठीक हूँ। तारिक तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बुलू साहब के लिए आया हूँ, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और दहमत साहिबा की तरफ से चीजें लेनी है, बस यही काम है। ठीक है, कैरी ऑन। फरीद चला गया क्या? अरे नहीं, अभी तो वो यहीं थे। हाँ वो रहे। चले अब मैं चलता हूँ, बुलू साहब के बहुत से काम कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। ओके, दोपहर तक मुझे मेल भेज दो, मैं इंतजार करूंगा। बाय। गुड मॉर्निंग। आज आपने जल्दी काम शुरू कर दिया। हर रोज की तरह। तुम कुछ कहने आई थी क्या? बुलूत, आज स्कूल जाएगा क्या? मेरी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नाजली, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, खास करके बुलूत के मसले पे। मेरे साथ नाइंसाफी मत करें। मैंने क्या नाइंसाफी की तुम्हारे साथ? कल देखा नहीं तुमने कि बुलुत किस तरह उस घर में रह रहा था? और ये सब देखने के बावजूद कुछ ना बोलना नाइंसाफी नहीं है क्या? नाजली। गुड मॉर्निंग बुलुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग बुलुत बेटा। नाजली मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए ऑमलेट बना दो ना। नाजली अब इस घर में काम नहीं करती, उसे कोई काम नहीं बोलो। आ जाओ बुलू, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। कौन सा ऑमलेट बनाएंगे फिर? जो आपको अच्छा लगे। चीज डाल दे, टमाटर डाल देते हैं। सॉसेज पसंद है ना तुम्हें? उम्मीद है आपको पसंद आया है। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैर तो है आज सुबह सुबह? मैं वॉक पे गई थी। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं गया मैं, अपनी प्यारी बीवी को देखे बिना जाने को दिल नहीं करता। कल रात को तुम बेडरूम में नहीं आई। मैं रात को बुक पढ़ते हुए सो गई थी। फिर गर्दन में दर्द तो नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह? नहीं नहीं हुआ। और वॉक करने का भी बहुत मजा आया, तुम भी वॉक किया करो। जरूर जरूर, मैं भी शुरू कर देता हूँ, एक साथ चलेंगे। चलो आओ नाश्ता करते हैं। नहीं मैं पहले फ्रेश होंगी, उसके बाद करूंगी। दिमित। हाँ बोलो। उम्मीद है कि तुम समझ चुकी होगी कि इस जिंदगी में मेरे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना। देखो वो तुम्हारी दोस्त असुमन है ना, उसने भी तुम्हें धोखा दिया। और देखो दैमित, बाकी सब लोग भी उसी जैसे हैं। तुम्हें ऑमलेट बहुत पसंद है, सारा खा गए तुम। नाजली तुम ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हो। थोड़ा चीज भी खाओ। यम्मी। फरीद साहब,
क्या फ्री है? एक बात करनी थी, जरूरी बात है। कोई मसला है क्या तारिक? जी मसला नहीं है, अब के ये दोस्त इजाजत दे तो हम अपना काम करने आए हैं। क्या काम है जरा बताओ? हम बुलुत का सामान लेकर आए हैं, वो तैयार हो जाए तो उसे स्कूल लेकर जाना है। कोई जरूरत नहीं, हम खुद ले जाएंगे उसे। हक्कान साहब और डेमित मैडम ने हमें इसका हुक्म दिया है, जानते हो ना कि अदालत ने बुलुत को हमारे जिम्मे दिया है। तुम अपने बॉस को बता दो, जल्द ही वो अमानत हम वापस ले लेंगे। बुलुत अपने असली घर वापस आ जाएगा। आज बुलुत को हम स्कूल लेकर जाएंगे और वो रात को हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, बता दूंगा मैं हक्कान साहब और डेमित मैडम को। अच्छा करोगे। चलो मुस्तफा। हमने नाश्ता कर लिया है। बुलुत बेटा, आज तुम्हें तारिक साहब स्कूल छोड़ेंगे और आज से तुम यहीं रहोगे। यही ना बात, चले चले। तारिक, क्या तुम मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? जी बिल्कुल, मैं बुलुत को तैयार करती हूँ। मैकेनिक कमाल का अंदाजा है कि कार में किसी ने खराब पुर्जा लगा दिया था, फिर वो डर गया कि कार कबाड़ में ना गई तो मसला हो जाएगा, इसलिए वो आया और कार के खराब पुर्जे को निकाल कर अपने साथ ले गया ताकि सबूत ना रहे। मैं उसके अंदाजे से जरा आगे की सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सारे प्लान हक्कान के हैं। कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू करने के लिए कोई सबूत चाहिए, फिर देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ लेकर जाती है। मुझे पता है कि कहाँ ले जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना होगा ये बताइएगा जरूर। इस हादसे के पीछे हक्कान का हाथ है या नहीं ये बताइए। पार्किंग में आने वाला आदमी अगर मिल जाए और अगर हक्कान से उसका रابطہ साबित हो जाए तो मिल जाएगा, उसको ढूंढेंगे और हक्कान को जरूर जेल भेजेंगे। मैं सिक्योरिटी रूम जा रहा हूँ, हमारे लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यार ये बच्चे की स्कूल छोड़ने की बात पर भी लड़ रहे हैं, अजीब बात है। ना पूछो फतोष, वहाँ तो जैसे जंग छिड़ी हुई थी। इसको अच्छे से मिक्स करना। तो अब फरीद बुला रही हूँ उसे। ये बहुत मोटे पीसेस हैं, इसे छोटा काटो। फरीद कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसे दिख रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मुझे पता है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है नाजली, आसुमन की वजह से हुआ है। जादूगरनी है वो, काश तुम उसे ना अकेले ही वापस भेज देती और तुम अकेले यहाँ रहती। हाँ तो वहाँ जाके उसने क्या कारनामा करना था? ये तो है, खुद को रोक नहीं पाती बिल्कुल भी, कोई कंट्रोल नहीं है। रुक जाएगा फतोष, कब तक भागेगा मुझसे? आखिर उसकी वजह से कितना कुछ झेला है मैंने, ये तो ज्यादा पका दिया। हल्की रखो आग, ठीक है। कैसे रोकोगी उसे तुम नाजली, बांध दोगी क्या कहीं पर? मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगी। क्या तुम आसुमन को कॉल कर रही हो अभी? हाँ बहुत तेज है। आसुमन तुम अभी तक घर में क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, क्लास नहीं जाना? मैं कह रही हूँ ना, अभी यूनिवर्सिटी जाओ और वहाँ जाकर मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तस्वीर भी भेजे? हाँ? ये भी ठीक है, तस्वीर भी भेजना मुझे। तुम वहाँ जाओगे और मुझे तस्वीर भेजोगी, क्लास में भेजना, टीचर के साथ भेजना तस्वीर, मुझे नहीं पता, टीचर के साथ ही भेजना तस्वीर। चलो बेटा अभी मैं रख रही हूँ फोन। बहुत हो गया, बहुत कमाल का हो गया, शाबाश मेरी जान। ये लो बॉस। फतोष ये क्या बना दिया, ये कब से लगी हुई हो इस पे? देखो अभी भी मिक्स नहीं हुआ, इसे सही से फेटो, सही से। बहुत मुश्किल है यार। कल रात को क्या हुआ था डेनिस, हक्कान और दैमित के दरमियान? हाँ लड़ तो रहे थे, बस वही जो मियां बीवी में होती रहती है, छोटी मोटी। हाँ लेकिन ऐसे कैसे रहते हैं वो लोग, ये नहीं होना चाहिए, इसको घरेलू तशद्दुद कहते हैं।
कभी कभार सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा हो। अकल इस्तेमाल करो और कैमरा रिकॉर्डिंग देखो जाके, क्या हुआ और क्यों हुआ। बस भाई, इस काम के पीछे हक्कान का हाथ है। बुलुत की देखभाल मैं खुद करूंगा और हक्कान जेल जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, मैं भी यही चाहता हूं। सुमान साहिबा, हमारी बात सुनिए। जी, आप कौन? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। डैमिट मैम ने तुम्हें बुलाया है। मेरा डैमिट साहिबा से ना कोई वास्ता है, ना मुझे उससे कोई बात करनी है। ये तो वही बताएंगी। देखो, मेरा बाजू छोड़ा वरना बहुत बुरा होगा। बात सुनो, मुंह बंद रखोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। तुम लोग कहां ले जा रहे हो मुझे? पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं बता रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस हादसे को बहुत वक्त हो गया है। मैंने बहुत देर कर दी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता हो सकता था? खुद को मुजरिम मत ठहराओ। और वो दोनों काफी समझदार इंसान थे, और देखने में तो ये एक्सीडेंट ही लग रहा था। किसे पता था कि ये प्लान किया गया है? सबको सलाम। तुम क्यों आए हो यहाँ? फरीद, खामोशी से बैठ जाओ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। फरीद असलान, ठंडे रहो, मैं लड़ने नहीं आया तुमसे। डैमर और जैनब के हादसे के बारे में बात करने आया हूँ। अपनी गंदी ज़बान से उनका नाम भी मत लो, समझे तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दफा हो जाओ यहाँ से। फरीद असलान, हकान जाओ। कहाँ कहाँ जाओ इंगिन? हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया। तुम मुझे कत्ल का मुजरिम ठहरा रहे हो। थोड़ा होश में आओ। दो इंसानों की जिंदगी की बात कर रहे हो। उनमें से एक मेरी बीवी का भाई था और एक तुम्हारी बहन। मैं ऐसा क्यों करूँगा, बताओ मुझे। तुम बताओ, तुम सोच भी कैसे सकते हो? देखो, मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। देखो, माजरा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग मेरे सब कुछ हो। दोस्तों, आप लोग उन लोगों को अच्छे तरीके से जानते नहीं थे पहले से क्या? सब कुछ नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था। मेरे जहन में आने वाले सवाल तुम लोगों के जहन में नहीं आ सकते। इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से, इतने सफाक तरीके से उनको कौन मरवा सकता है? उन दोनों की कोई जाती लड़ाई तो नहीं थी? शायद कोई ऐसी बात हो जो तुम लोग नहीं जानते। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, मिलकर काम करते हैं, हमें फायदा होगा इससे। मिलकर तलाश करते हैं। हकान, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन असल बात पर आओ। मैं भी इस मसले का हिस्सा हूँ। मेरे घर आकर जो तुम लोगों ने किया, मुझे तुमने फंसाया इस मसले में। अब ये मुझे हल करना होगा, अपनी बीवी की खातिर मुझे करना होगा। वो जानवर भले जो भी हो जिसने ये किया है, उसको पकड़ना मुझ पर फर्ज है, ये जान लो तुम। मैं अपनी जान लगा दूंगा इस मसले में, ये बात मेरी समझ लो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, और ये मसला हल होने तक ब्लूट तुम्हारे साथ रह सकता है। लेकिन बस एक चीज और है, जो मुक्का तुमने मारा था और ये मेरे हाथ का हाल देखो। ये मसला खत्म हो जाए पहले, फिर तुमसे मैं इन दोनों चीजों का हिसाब लूंगा। अब तो छोड़ दो मुझे, यहाँ से मैं कहाँ भागूंगी? हर तरफ तो तुम्हारे जैसे कितने लोग खड़े हैं, मैं कहाँ भाग सकती हूँ यहाँ से? छोड़ो मुझे, मेरा बस करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। आसुमान डियर, वेलकम। क्यों बुलाया है मुझे? अपने पालतुओं को क्यों भेजा मेरे पास? प्लीज बैठो ना यहाँ डियर। नहीं बैठना मुझे, जो कह रही हो मैं सुन रही हूँ। आसुमान, हमने तुम्हारे साथ एक डील की थी जो कि तुमने तोड़ दी, और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। और तुमने मेरे एक छोटे से राज को अफशा कर दिया, लेकिन डील तोड़ के तुमने बहुत बुरा किया है। डैमिट, देखो मैंने कोई भी डील,
तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने कोई डील नहीं तोड़ी, समझी? असल में तो डील तुमने तोड़ी है। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार काम किया और वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। अब मेरी जिंदगी बस स्कूल, घर, होटल तक है। अच्छा नादान लड़की, काश हमारे ख्यालात भी सच हो पाते। मसलन मैं तुम्हें जगाती और कहती, आसुमान ये सब एक डरावना ख्वाब है, चलो जाग जाओ, है ना, कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अफसोस, सच से हम नहीं भाग सकते। तुमने हमारी डील को तोड़ा है और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें नहीं खेलना है। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं आसुमान, इस खेल में दो लोग शामिल हैं। देखो मैंने तुमसे कहा था, तुमने कुछ भी कहा तो मैं सब कुछ बोल दूंगी और सब कुछ बता दूंगी जो तुमने किया। आसुमान मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने फरीद को कुछ नहीं बताया और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हाकान के बारे में मुझे कोई धमकी मत देना। हाकान मेरा शौहर है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसको हकीकत बता दूंगी और जो उसे बताऊंगी वो यकीन भी कर लेगा। चलो अब तुम बताओ कि तुम पर कौन यकीन करेगा, कौन करेगा? क्या चाहती हो मुझसे, क्या करोगी मेरे साथ? पता नहीं, ये तो पता नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। क्या करूंगी, कब करूंगी, कैसे करूंगी, तुम्हारा क्या करूंगी, पता नहीं। मुझे एक बात का पता है, वैसे मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगी। अब तुम जा सकती हो, दफा हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे अच्छी तरह पता है दरवाजा कहां पर है, छोड़ो मुझे। रिकॉर्डिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बस। दैमिर के कार यहाँ आने के दिन से लेकर यहाँ से जाने तक सब रिकॉर्डिंग को देखा है। लेकिन मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ 1.5 महीने पहले एक दिन पूरा गायब है, वीडियो में नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें इस बात का क्यों नहीं हुआ? सर उस दिन कैमरे चल रहे थे, वीडियो भी आ रही थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अगले दिन जब पता चला तो बहुत सख्त जांच पड़ताल भी की गई। और फिर नतीजा? चोरी का कोई भी इम्कान नजर नहीं आया, बिल्डिंग का कोई खतरा नहीं था, फायर सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, कोई मसला नहीं था। नतीजतन ये सोचा कि कोई सिस्टम में एरर हुआ होगा, सॉफ्टवेयर रिन्यू किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि साइबर अटैक के जरिए रिकॉर्डिंग रोकी गई और इसीलिए वो आदमी अपना काम आराम से करके चला गया। फिर ये चीज इस बात का सबूत है कि बाहर से किसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की है। ये चीज शक को बढ़ाती है। मेरी आपसे दरखास्त है कि कंपनी के अंदर देवीर साहब से किसी की दुश्मनी थी तो हमें बताइए। इस बात का पता लगाना होगा। मैं मिसेस इकबाल से कहता हूं कि इस बात का सुराग लगाएं और किसी को भी पता ना चले इस बारे में। बेकर कहाँ रह गई, ये आए नहीं अभी तक कमीने। भाई पता नहीं, बस अब आते ही होंगे। तुम लोगों ने ये देमिर के साथ झगड़ा करने वाला आदमी, क्या नाम था उसका? जलाल। हाँ, क्या बना उस काम का? भाई उससे बात की थी, बहुत तेज है वो, जहाँ भी काम मिला वहाँ चोरी की और काम से निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा गरीब आदमी है वो बेचारा, उसकी एक बीमार बेटी भी है जो पैरालाइज है, पैसे की बहुत जरूरत है उसे। इसका मतलब ये है कि फिर तो वो मान गया होगा। भाई फिलहाल तो उसने हाँ नहीं कही है, लेकिन मान जाएगा।
यार पैसे और बढ़ा दो तो वो मान जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ही करेंगे भाई। अरे आ गया। कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस कमीने से बहुत सख्त नफरत है। भाई आगे तुम कैसे हो? वेलकम मेरी जान। शुक्रिया भाई। और बताओ ठीक हो ना? यकीन करे भाई मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी, कार वाले मसले का क्या बना? मुंह तो बंद रखा हुआ है ना तुमने? कैसे ना बंद रखूं भाई, सब कुछ मैंने किया है। कार मैंने चुराई है, पुर्जा भी तो मैंने ही खराब किया है। तुम भी फंस जाओगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम फंस गए तो मैं भी फंस जाऊंगा, और अगर मैं फंस गया तो जानते हो क्या होगा? मैं तुम्हारी 7 नस्लें खत्म कर दूंगा। मुझे देखो, मैं तुम्हें भी गोली से उड़ा दूंगा। मसला बहुत संजीदा है, समझे? जी जी भाई, इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह। हमारा सफर यहाँ खत्म हुआ सुमान। ये कौन सी जगह पर उतारा है? मुझे बस स्टॉप के करीब तो उतार दे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हें रश वाली जगह पे उतार कर सबके सामने डरा कर हम शर्मिंदा करना नहीं चाहते। हमने सोचा किसी वीरान और खामोश और सुकून की जगह पर तुम्हें समझा देते हैं। भाई अब तुम मुझे क्या समझाओगे? हाँ मेरी बात सुनो, गौर से सुन लो। दैमित मैडम के साथ बात करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, उनके बारे में कुछ कहते हुए एहतियात से काम लेना, नहीं तो तुम्हें किसी वीरान जगह पर और बेअबान जगह पर बहुत बुरी तरह से कुत्ते तुम्हें नोच कर खा रहे होंगे। समझ गई हो ना तुम आसुमान? मेरे अल्लाह किन लोगों के हाथ लग गई हूँ मैं? ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ फंस गई हूँ मैं यार? बुलुत, बुलुत इतने बुरे लोगों के साथ रहते हैं। मैं किसी न किसी तरह हक्कान की हकीकत सामने ले आऊंगा, किसी भी तरह। मुझे लगता है कि वो मेरे हाथ आ जाएगा। मैं अभी बाहर जाऊंगा, पहले घर जाऊंगा फिर उसके बाद बाहर जाऊंगा। अब तुम पहले से ज्यादा नजर आओगे। कंपनी के अपने शेयर को तुमने खुद रिप्रेजेंट करना चाहा है ना? हाँ, लेकिन बस सूट पहनकर खुश नहीं होना चाहता मैं। मैं अहम फैसलों के वक्त पर मेज पर बैठना चाहता हूं। जब दिल करे आ जाना। आऊंगा। नाजली को माफ नहीं किया है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं माफ किया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिसे तुमने माफ नहीं किया उसके साथ क्यों काम कर रहे हो? ऑफर अभी भी मौजूद है, अगर चाहो तो मुझे शेयर बेच सकते हो। होटल के काम में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, और बिजनेस में जज्बात नहीं चाहिए होते, अकल चाहिए होती है। तुम पीछे नहीं हटोगे है ना? मैं भी नहीं हटूंगा पीछे बिल्कुल। तो तुम्हारा नाम बुराक है, उन्होंने तुम्हें बताया कि क्या करना है? एक होटल है, उसमें वेटर का काम करना होगा। अच्छा, तो एक नया होटल खुला है वहाँ, वो काम करने वाले तलाश कर रहे हैं और तुम वहाँ वेटर के तौर पर काम करोगे। ठीक है, और अब तुम जाओ और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। पूरी एनर्जी के साथ जाना है और जाकर काम करना है, समझे? जी ठीक है। वेरी गुड। इंटरव्यू में जो भी कहे बस तुम्हें हाँ कहनी है,
और सैलरी की फिक्र नहीं करना क्योंकि वो तुम मुझसे लोगे। मुझे करना क्या होगा? यानी मुझे सिर्फ वेटर का काम नहीं करना होगा? बिल्कुल, सिर्फ तुम वो काम नहीं करोगे बल्कि होटल में जो कुछ भी होगा उसकी प्रॉपर रिपोर्ट दोगे तुम मुझे। देखो बुराक, मेरा मकसद सिर्फ सकोरा को जितना जल्दी हो सके खत्म करना है और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है? जी ठीक है। वेरी गुड, बस मुझे यही कहना था। इसके अलावा अगर कोई काम हुआ मुझे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच गई है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए तैयार कर देंगे, ठीक है? भूलना मत कि तुम्हें किसी भी सूरत में इस जॉब को हासिल करना है। जरूर। चलो अब जल्दी जाओ। तो क्या ये पक्की बात है कि ये सब कुछ हक्कान ने किया है? पता नहीं। क्या मतलब नहीं पता? तो फिर पता लगाओ ना, पता तो चले कि हक्कान ने किया है या नहीं। अच्छा आलिया, तुम फिक्र मत करो, हम खोज लगा रहे हैं। डेनिस, मैं कैसे परेशान ना हूँ, उस आदमी के साथ बुलुत रहता है, वो यहाँ आता जाता रहता है, हमारे बार में आता है, अगर वो आदमी कातिल निकला तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल, लेकिन तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना है उस हक्कान से? वैसे भी कोई कंफर्मेशन थोड़ी है कि हक्कान ने मारा है, 100% कोई नहीं कह रहा है, हमें सिर्फ शक है उस पर और खोज लगा रहे हैं। बुराक, तुमने बिजनेस डिग्री हासिल की है अभी, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब करो या इंटर्नशिप क्यों नहीं करते? मैंने कोशिश की लेकिन जॉब मिली नहीं, वैसे भी आजकल ग्रेजुएट को जॉब कौन देता है। तो तुमने सोचा कि वेटर बन जाता हूँ? हाँ, मुझे किसी काम का तजुर्बा नहीं लेकिन जल्द ही सीख जाऊंगा। 3 हफ्ते पहले मेरे वालिद फौत हो गए और वालदा भी बीमार हैं और मेरी नानी भी, वो हमारे साथ ही रहती हैं, 2 छोटे भाई हैं, वो स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके जॉब शुरू करनी होगी। चलो ठीक है, हम काम पे रख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। अंदर चलते हैं, तुम्हारा यूनिफॉर्म दे देती हूँ। मैं देखता हूँ। मैं फिर से कॉफी बनाती हूँ, ये ठंडी हो गई है। हाँ वाकई इतनी ठंडी हो गई है कि आइसक्रीम बन जाएगी उसकी। डेनिस, तुम भी पियोगे ना कॉफी? डेनिस, तुम्हारे लिए भी बनाओ ना। आसुमान, कैसी हो? वालेकुम सलाम। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। नहीं आलिया, तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ प्लीज। ठीक है, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो मिस्टर बुराक, ये है हमारा किचन, आहिस्ता आहिस्ता सब काम सीख जाओगे तुम। अब बाहर जाकर काम करो अपना। जी ठीक है। क्या मतलब है, वो कल आ रहे हैं अचानक? कौन आ रहा है नाजली, क्या हुआ? फरीद साहब जिस फूड क्रिटिक की बात कर रहे थे वो आ रहा है यहाँ पे, जो टीवी पर भी। अच्छा? फरीद साहब ने उसे कहा कि वो उसको लेकर आएंगे लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी। नाजली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि वो जल्दी चक्कर लगाएगा और थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई, उसने कहा आज नहीं कल आएगा, लेकिन मेरे पास अभी इस काम के लिए वक्त तो नहीं है लेकिन कोई चारा भी नहीं है। किसी और दिन आ सकता था। मैंने उसको कहा लेकिन वो नहीं माना, उसके साथ कुछ फॉरनर मेहमान है और वो चाहता है कि जाने से पहले आखिरी बार खाना यहाँ खाए। ओ, तो मेहमान भी आ रहे हैं, कौन मेहमान है वो? उसके साथ सारे बड़े लोग हैं, कुक, लिखारी और रेसिपीज बनाने वाले। ओ, तो सारे प्रोफेशनल लोग। नाजली, तुम एक अच्छी शेफ हो, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? नाजली, खुद को साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और एक अच्छा शेफ कम वक्त में भी अपना जौहर दिखा सकता है। एक तो तुम अपना नाम बनाओगी और दूसरा इस रेस्टोरेंट का भी नाम बनेगा। उसको ठीक से हिलाओ प्लीज।
चलो ऐसा करते हैं कि तुम भी मेरी मदद करना। मैं आलू काटूंगा क्या? सॉरी नाज़ली, लेकिन वो दिन गुजर गए। नहीं, हमें बस दो जगह पर जाना होगा कल। एक ग्रोसरी स्टोर पे जाना होगा और एक कसाई की दुकान पे। मेरा वहाँ क्या काम है? मैंने सोचा कि तुम मुझे ले जाना, क्योंकि बहुत दूर है ना वो जगह, और खुद से जाना बहुत मुश्किल है। नाज़ली, मुझे बहुत सारे काम है और अभी मैं सिर्फ एक काम के पीछे हूँ, और वो है हकान। बहुत सारे मसले और भी हैं फरी, हकान वाले मसले के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखनी है तुमने। थोड़ी बाहर की हवा ले लेना, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। बुलुत की थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तारिक ने उसको यहाँ से लेना है। कोई मसला नहीं, हमारा घर खाली है, फतोह संभाल लेगी उसे। नाज़ली को ना करना आसान नहीं है फरीद। मनामी, मैं माजरत चाहती हूँ तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, लेकिन सब तुम्हारे सामने है। फरीद को अकेला नहीं छोड़ सकती, कम से कम मेरे साथ हुआ तो उसका ध्यान तो रख सकूंगी मैं। मेरी आंखों के सामने रहेगा वो, और घुमाऊंगी फिराऊंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं बाद में। मेरे माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलो अब बताओ क्या कहना चाहती हो, हम लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात को। बुलुत चला गया है अपनी आंटी के पास। अब से कुछ अर्सा पहले तक इस सादा से सवाल और जवाब की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। बुलुत को नहीं जानती थी मैं, उसके चाचू, आंटी और मामू को नहीं जानती थी मैं। एक अकेले घर में बिन माँ बाप का बच्चा क्या करेगा नहीं जानती थी, अंदाजा ही नहीं था, कोई अहमियत नहीं थी इस बात की। उस वक्त मेरे नजदीक एक चीज अहम थी, और वो थी पैसे। देखो डेनिस, एक आम सी तनख्वाह में एक घर का गुजारा किस तरह से हो सकता है बताओ? पर से घर की बेवकूफ, अहमक और नाकाम लड़की होना, क्लासेस अटेंड ही ना करना, यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर से पास हो जाना, माँ बाप के पैसों पर इस्तांबुल जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल काम है। जिंदगी बनाना आसान नहीं है। मुझे अपने हम उम्र लोगों पर रश्क आता था। यहाँ रहते हुए मेहनत और कामयाबी के बलबूते पर तो कुछ ना कर सकी, इसीलिए गलत रास्ता चुना मैंने। मैंने बहुत बड़ी गलती की शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दोगे। आसमान, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं? तुमने हम सबको नुकसान पहुंचाया है, बुलुत को, बाजी को, फरीद भाई को, और सबसे अहम, तुमने मेरे भाई भाभी की आखिरी निशानी को नुकसान पहुंचाया, और अब तुम गुर्बत का बहाना बना रही हो। डेनिस, डेनिस देखो, ये अदालत वाला मसला मेरे लिए बस एक अमीर से दूसरे अमीर को मसला था, बस इसकी गहराई नहीं जान सकी मैं। मैंने बस ये सोचा कि इन अमीरों से इस बात का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना ही इस बात का अंदाजा था मुझे कि मैं आग से खेल रही हूँ जिससे नुकसान हो सकता है। मेरी इस हरकत से ये सब कुछ हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरी बात सुनने का शुक्रिया। मैं माजरत खा हूँ जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए, लेकिन अब बदल गई हूँ मैं। झूठ नहीं बोल रही, पैसों का लालच नहीं अब मुझे। मैं अपनी जात से अब कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मुझे फॉरेन क्लास में पहुंचकर आपा को पिक्चर भी भेजनी है।